आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित 17वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा में बेहतर उपलब्धियां हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उन्हें डिग्रियां वितरित की। वहीं उन्होंने प्रदेश के सेक्स रेशियो को बेहतर बताया और कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं कारगर सिद्ध हो रही है। आदर्श महिला महाविद्यालय में अपनी शिक्षा को पूर्ण करने वाली महिला छात्राओं को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने सम्मानित किया। बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाए इन 2.5 सालों में, और मैं हरियाणा सरकार को दाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है औरतों को सुरक्षित करने में। अब एक तो हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू करें नौकरियों के लिए, और महिला कॉलेजेस अगर बढ़ जाए तो अच्छा होगा। ये जो आदर्श महिला कॉलेज है, इसकी तरह अगर एक्सेलेंस के तौर पर हम लोग और कॉलेजेस भी बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिर अगर हरियाणा 830 से लेकर के 910 तक आ गया है तो नहीं दिए पुलिस ने, वो हमारे जहन में आया है कि उन्होंने उनको मार करके काटा है। हमारे वेबसाइट पर एक कार्यक्रम है जिसका नाम है स्टेप। कोई भी एनजीओ अगर अप्लाई करना चाहे महिलाओं को, 200 महिलाओं को सिखाने के लिए, तो हम पैसे देते हैं उसको सिखाने के लिए। हर लॉ का एक हद तक मिस यूज होता है, हर लॉ, तो हम केवल एक लॉ को मत कहें, 20 और लॉज हैं जो मिस यूज होते हैं, लेकिन ये लॉ औरत को सुरक्षा देती है। यह पहला अवसर है कि और आज हमने 849 छात्राओं को ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। छात्राओं का भी खासतौर पर बात की जाए, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन उनको मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता है। निश्चित तौर पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया कि ताकि हमारे इस रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को एक एनकरेजमेंट मिले और हमारे बच्चे और आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही उद्देश्य को लेकर हमने।